तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोंगोडीबी एग्रीगेशंस। तो एग्रीगेशन ऑपरेशन के बारे में हमें देखना है। एग्रीगेशन ऑपरेशन क्या होते हैं? एग्रीगेशन ऑपरेशंस प्रोसेस डेटा रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स कंप्यूटेड रिजल्ट्स। सो एग्रीगेशन ऑपरेशन क्या होते हैं? वो हमारे डेटा पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स पर वो प्रोसेस करते हैं और हमें एक कंप्यूटेड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे कुछ कोड एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एग्रीगेशन ऑपरेशन ग्रुप वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। तो आपके पास बहुत सारे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स और इनका ग्रुपिंग करके अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एग्रीगेशन यूज कर सकते हो। जैसे सीक्वल के अंदर आपके पास एक से ज्यादा टेबलें होती है और टेबलों को आप ज्वाइन करके आप अपना आउटपुट बताते हो, उसी तरीके से मोंगोडीबी के अंदर अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का आपस में आपको कंबाइन करके अगर आपको कोई रिजल्ट सेट बनाना है तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, एग्रीगेशन पाइपलाइन का यूज करेंगे, एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का। इसे हम बोलते हैं मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एग्रीगेशन, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। तो ये एक प्रकार का एक सा फ्रेमवर्क, एक टेक्निक है जिसमें आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप ग्रुपिंग करके आप अपना रिजल्ट सेट निकाल सकते हैं। अगर इसी को मैं सीक्वल की लैंग्वेज में बात करूं, हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है और उन टेबल्स को हम ज्वाइन करके हम अपना एक आउटपुट निकाल सकते हैं, तो वही काम आप मोंगोडीबी में कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको देख देख के हम अपना काम करेंगे। सो एग्रीगेशन ऑपरेशन ग्रुप वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर एंड कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ ऑपरेशन ऑन द ग्रुप डेटा टू रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट। तो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क क्या करता है, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को पहली बात तो ये क्या करेगा, ग्रुप करेगा और उसके बाद उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आपको एक रिजल्ट सेट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको बोलूं कि आपके डाटाबेस के अंदर, आपके कलेक्शन के अंदर आपके पास एक 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 बुक है जिसके 100 लाइक्स हैं, दूसरी बुक है उसके 10 लाइक्स हैं, तीसरी बुक है उसके 750 लाइक्स हैं, और मैं आपसे बोल दूं कि टोटल कितने लाइक्स आपके पास हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको ग्रुप करना पड़ेगा एंड देन आपको उसका रिजल्ट सेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का ग्रुपिंग करके अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो है मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि इन सीक्वल काउंट स्टार फ्रॉम विथ ग्रुप बाय इज इक्विवेलेंट टू मोंगोडीबी एग्रीगेशन। तो माई सीक्वल के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं लिखू माई सीक्वल सीक्वल ग्रुप बाय, W3 स्कूल्स लिखा मैंने यहाँ पर, W3 स्कूल्स, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय मैंने लिखा, एंटर किया और यहाँ पर ग्रुप बाय स्टेटमेंट में गए। तो यहाँ पर जो है, जो सीक्वल के अंदर जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट होता है वो के वही आपका यहाँ पर किस प्रकार से काम करता है, मोंगोडीबी का एग्रीगेशन काम करता है। मोंगोडीबी का जो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है वो जस्ट किसके इक्विवेलेंट है, सीक्वल के ग्रुप बाय सिंटेक्स के इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं द एग्रीगेशन मेथड। फॉर द एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी यू शुड यूज एग्रीगेट मेथड। सो मोंगोडीबी में किस नाम की मेथड होती है, एग्रीगेट नाम की मेथड होती है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट नाम की मेथड बनी। सो डीबी, तो सबसे पहले यहाँ पर डाटाबेस कुछ होना भी तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोड एग्जाम्पल में ये जो पूरा के पूरा कलेक्शन है, पूरा के पूरा जो मेरा डेटा है, इस डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो ये पूरा के पूरा यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये क्या है, ये बुक्स का है। तो यहाँ पर मैं करूंगा डीबी डॉट कलेक्शन डीबी डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मेनी, इंसर्ट मेनी फंक्शन को कॉल करवाया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने पास कर दिए और लास्ट वाला कॉमा नहीं लगाया मैं। ठीक है, और मैं रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिकल आइडेंटिफाई डायरेक्टली इज अ नंबर, सो ये ऑब्जेक्ट्स हटाइए यहाँ से, है ना, क्योंकि इंसर्ट करवाने ना, तो ऑब्जेक्ट आईडी आपको करना नहीं है, ये ऑब्जेक्ट आईडी आपने हटाया और अब आप इंसर्ट करवा के देखिए, हो गए कितने डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर हो गए। चलिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कैसे करेंगे, डीबी डॉट बुक्स डॉट फाइंड मेथड देखते हैं। हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम आउटपुट कर पाएंगे, हमारे पास डेटा आ गया कि नहीं आ गया मोंगोडीबी में। ये सारा के सारा डेटा हमारा कहाँ जा रहा है, हमारे मोंगोडीबी के अंदर जा रहा है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी पीडीएफ के हिसाब से मैंने डेटा डाल भी दिया, कैसे डाला, डीबी डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मेनी, और इंसर्ट मेनी के अंदर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर आप देखना, ये पहला ऑब्जेक्ट कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा, तीसरा ऑब्जेक्ट, बट अरे नहीं था। तो मैंने पहले क्या किया,
डीबी डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट मेनी, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट अरे का लगाया और उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट पेस्ट कर, और उसमें से क्या क्या हटा दिया मैंने, से मैंने ऑब्जेक्ट आईडी हटा दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी तो इंसर्ट होती है, मोंगोडीबी खुद इंसर्ट करके आपको दे देगा। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन यूजर बाय यूआरएल टैग्स एंड लाइक्स, तो उस की का सब में से हटा दिया मैंने, क्लियर है ना। और मेरे पास डाटा आ गया कि नहीं आ गया, अब जाके हम अपना इस पीडीएफ को देख देख के काम कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट नाम की मेथड यूज करेंगे। चलिए करते हैं डीबी डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट, ए डबल जी एग्री एग्रीगेट, एग्रीगेट नाम की मेथड मैंने यहाँ पर क्या यूज करी, मैंने यहाँ पर यूज करी ये एग्रीगेट, ए डबल जी आर ई जी ए टी ई, ए डबल जी आर ई जी ए टी ई, एग्रीगेट नाम की मैंने मेथड यूज करी, और इसमें एग्रीगेशन ऑपरेशन देने की, मुझे क्या क्या एग्रीगेशन के ऑपरेशन करने हैं। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, ऑब्वियसली है ही सही, सामने दिख रहा है आपको। फिर आगे हम पढ़ते हैं, नाउ फ्रॉम द अबव कलेक्शन इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ लिस्ट दैट हाउ मेनी ट्यूटोरियल्स आर रिटन बाय each user when they use aggregate method as shown in below. So each user के द्वारा कितने कितने जो है tutorials लिखे गए हैं वो अगर हमें देखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, group का यहाँ पर use कर सकते हैं। तो tutorial points में कितने tutorials लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें user कौन है tutorial points, user कौन है tutorial points, एक user कौन है Neo4j, मान लो ये पहला वाला ट्यूटोरियल किसने लिखा है, ये देवेंद्र ने लिखा है, ये भी ट्यूटोरियल किसने लिखा है, देवेंद्र ने लिखा है, और ये शौकीन ने लिखा हुआ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, भाई देवेंद्र ने कितने ट्यूटोरियल्स लिखे हैं। चलिए यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर वापिस से गया, इस पूरे को मैंने वापिस से लिया, कॉपी किया, मैं वापिस से स्टोर करवाता हूँ db.db.collection.insertMany, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अरे के अंदर यहाँ पर पास करूँगा, और यहाँ पर मुझे लास्ट वाला कॉमा हटाना है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आईडी सबकी हटा दूंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी हटाई और यहाँ पर यूजर में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया देवेंद्र है ना। सो ये देवेंद्र, ये भी हमारा, ये भी यूजर कौन है, देवेंद्र है। यहाँ पर हमारा क्यों यूजर हो गया, शौकीन हो गया। सो देवेंद्र ने कितने आर्टिकल लिखे हैं ट्यूटोरियल्स के, मान लीजिए एक ही आर्टिकल लिखा है, और शौकीन ने भी एक ही लिखा है। तो चलिए स्टोर करवाते हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर मेरे पास स्टोर हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डीबी डॉट बुक्स डॉट फाइंड मेथड यूज किया, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रन कर सकता हूँ, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो मेरे यूजर कौन कौन से हैं, शौकीन का एक डॉक्यूमेंट है, और देवेंद्र के एक डॉक्यूमेंट है, Neo4j का एक है, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट वालों के दो डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे मेरे पास उनके कुछ ट्यूटोरियल्स लिखे हुए MongoDB के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो db.books.aggregate नाम की मेथड यूज किया, और सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर मेंशन किया है ना, सबसे पहला जो है यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए हम भी यूज करते हैं db.books.aggregate एग्रीगेट नाम की मेथड यूज करी मैंने। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट नाम की मेथड में हमें क्या पास करना पड़ता है, एग्रीगेशन ऑपरेशंस हमें पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीगेशन फ्रेमवर्क्स पे गए, थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं कि एग्रीगेशन पाइपलाइंस में हम क्या यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट मेथड में सबसे पहले मुझे क्या पास करना पड़ेगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करना है, एग्रीगेशन मेथड में भी हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक अरे, और उस अरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा सा इंटर करके थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटर किया और यहाँ पर मैंने इंटर, ठीक है। सो ये मैंने इंटर किया, उसके बाद आप देखिए पहला पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें क्या पास करना है, उसमें हमें ग्रुप वाला यूज करना है, कि ग्रुप करना है हमें जिस यूजर की आईडी के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूटोरियल्स पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट आईडी वो 63 से स्टार्ट है, 44E से खत्म है, और इधर भी यहाँ पर भी ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर ये तो डॉक्यूमेंट की आईडी है, और हमें जो उसको करना है ग्रुपिंग करना है वो यूजर के नेम के बेसिस पर ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखना कि रिजल्ट सेट आपको इस तरीके से मिलेगा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स पे हम यहाँ पर उसको सम कर सकते हैं, तो ओके आया। और एक्सप्रेशन फ्रेमवर्क हम यहाँ पर यूज किया, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पुश, हेड टू स्टेट, फर्स्ट, लास्ट,
है ना। तो ये सारी चीजें हमने इसमें कर रखी हैं। तो यहाँ पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है एग्रीगेशन फ्रेमवर्क में, हमने यूज किया हुआ है ग्रुप नाम का मेथड यूज किया हुआ है, और पहला वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा के पूरा कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट देनिए। अनएक्सपेक्टेड टोकन आ रहा है, भैया नियो फोर जेएस ने कितने लिखे हुए हैं, तो ट्यूटोरियल पॉइंट्स ने नंबर ऑफ ट्यूटोरियल कितने लिख रखे हैं, शौकीन ने कितने लिख रखे हैं 1, और देवेंद्र ने कितने ट्यूटोरियल लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं। चलिए ये कि यही पूरी की पूरी क्वेरी में यहाँ पर नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव किया और इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर वापस से मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ डीबी डॉट, पहले तो मैं फाइंड कर लूँ, देवेंद्र के और ट्यूटोरियल्स लिखते हैं। तो देवेंद्र वाला जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट, इंसर्ट मैनी किया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगाया, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये सब देवेंद्र के हैं, इसमें आईडी नहीं देनी है, आईडी नहीं देनी है और आईडी नहीं देनी, ठीक है। और ये सारे ही ट्यूटोरियल्स किसके हैं, ये देवेंद्र के हैं। तो चलिए इंसर्ट करवाया, तो पहले देवेंद्र का एक था, 3 और अभी हो गए, टोटल कितने हो गए देवेंद्र के, 4 हो गए। चलिए कंफर्म भी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने किया db.db.collection.find कलेक्शन डॉट फाइंड मेथड यूज किया, और ये फाइंड मेथड से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे ना, देवेंद्र 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 और देवेंद्र, टोटल देवेंद्र के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का यूज करूँगा, सो एग्रीगेट, और इसके अंदर एग्रीगेट के अंदर हमें क्या करना है, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेना है, और उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो है मैं इस तरीके से ये लिखना है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा सिंटेक्स वाइज में लिख देता हूँ कि ये पहला की यहाँ पर है, ठीक है, इसको समझने के हिसाब से सो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ग्रुप लगाया हुआ है, ग्रुप करना है किसके बेसिस पर, आईडी के बेसिस पर, वो भी किसकी, यूजर यूजर के बेसिस पर ग्रुप करना है, और यहाँ पर यूजर के बेसिस पर मुझे ग्रुप करना है। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है ना, रन किया, ये देखो ग्रुपिंग हो के आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे आईडी चाहिए, मुझे आईडी आईडी वाले कॉलम पर मुझे चाहिए ये, तो मैं इसको आईडी के बजाय यहाँ पर यूजर नेम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर यूजर नेम बोला मैंने और यहाँ पर मैंने की बना लिया, ये यूजर नेम इज नॉट एन एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट, आपको वही एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा, अंडरस्कोर आईडी, रन किया और डॉलर बाय यूजर आईडी। देखिए आपके एग्रीगेशन फ्रेमवर्क से ये नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स पर यहाँ पर एग्रीगेट कर रहा है ग्रुप बाय, ये ग्रुप बाय करके वो सारा एडअप कर दिया इसने, 1111 ऐड अप कर दिया उसने, एग्रीगेशन पाइपलाइंस, एग्रीगेशन पाइपलाइंस आएगा ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन। इसके अंदर देखो देवेंद्र के कितने ट्यूटोरियल हैं, और ये जैसे डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा ना, पहले डॉक्यूमेंट को ढूंढा 1, दूसरे डॉक्यूमेंट को ढूंढा फिर 1+1 2, फिर तीसरे डॉक्यूमेंट को ढूंढा 2+1 3, फिर चौथे डॉक्यूमेंट और मिल गया तो वो प्लस करते हुए जा रहा है, ये सम कर रहा है। तो सम क्या है हमारा, सम एक्चुअल में सम हमारा यहाँ पर यूज में आएगा,
आएंगे सम, सम अप द डिफाइंड वैल्यू फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन। ये डॉलर सम किस लिए यूज होता है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज किया, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या करेगा, सम अप करेगा, सम अप ऑल द डिफाइंड फील्ड्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन। तो डीबी डॉट बुक्स डॉट एग्रीगेट, यहाँ पर आपको ग्रुप लिखना है, उसके बाद जो भी आपको डिफाइंड आई डी लिखनी है, विद सम लाइक्स, ये आपने दे दी। अब यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब टोटल लाइक्स अगर हमें देखना है कि टोटल लाइक्स कितने क्या है, तो वो भी हम देख सकते हैं। डॉलर लाइक्स हम कर सकते हैं, तो सम किया और डॉलर लाइक्स हम करेंगे। तो यहाँ पर हम गए और ट्यूटोरियल्स की बजाय मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, एक ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, फाइंड कर लो। लाइक्स नाम की देवेंद्र के टोटल लाइक कितने बन रहे हैं, से देवेंद्र के 100 + 100 + 200 + 300 + 400 लाइक। अब मैं आपसे बोलूं कि देवेंद्र के टोटल लाइक्स कितने हैं करके बताओ, देवेंद्र के टोटल लाइक्स कितने हैं, तो आप कर सकते हो। कॉपी किया, सो डीबी डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट नाम की मेथड है, बाई किया और नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स की बजाय नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स नाम की चीज है, यहाँ पर ये एग्रीगेशन फ्रेमवर्क में मैंने ये यूज किया, सो ग्रुप बाय मुझे किससे करना है, आईडी से ग्रुप बाय करना है और माय अकाउंट की जगह मैं लाइक्स सम ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है, इसके बेसिस पे यूजर के बेसिस पे। सम हो रहा है और क्या चाहिए, उसका ऐड करना है, वैल्यूज का ऐड करना। डॉलर लाइक्स स्ट्रिंग के अंदर, डॉलर लाइक्स स्ट्रिंग के अंदर
क्वेश्चन के अंदर डॉलर एक्स। यूजर वाइज ग्रुप कर दिया, तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स हो गए। तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का वो ग्रुपिंग कर रहा है इस वाइज में, उसके जितने भी होंगे उनका वो उसने क्या कर दिया, सम कर दिया। इसके थ्रू में वर्क करना। और देखो ये वैल्यू की जगह स्ट्रिंग के अंदर आप अपने की जो की है उसका नाम लिखो, डॉलर लगा के की का नहीं, उससे उसकी वैल्यू वो उठा लेगा, इससे उसकी वैल्यू उठा ली है, ठीक है ना। तो देवेंद्र के टोटल लाइक्स कितने हैं, नियोजेस के 750, शौकीन के 750 के 750 कैसे हो गए, फाइंड किया मैंने, चेक किया शौकीन के रिकॉर्ड्स कितने हैं, मेरा शौकीन का 750, और शौकीन है क्या कहीं, एक ही बार, अरे एक ही बार में इतने लाइक्स मिल गए और क्या लो यार, है ना। तो सही है वो, एक्चुअल में एग्रीगेशन सही है, बिल्कुल सही है। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि यार एग्रीगेशन मोंगोडीबी के अंदर एग्रीगेशन क्या है। सबसे पहली चीज तो एग्रीगेशन करता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को पहले तो क्या करता है, ग्रुप करता है, ग्रुप बन गया और उस ग्रुप के बेसिस पर फिर आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर एडिशन करना है, फिल्टरिंग करना है, उस पर कोई वैल्यूज कैलकुलेशन करवानी है, ग्रुपिंग करना है, तो एग्रीगेशन आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो और भी अगर आपको कहीं कुछ लगे सो मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एग्रीगेशन एग्जाम्पल पीडीएफ, एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च किया, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज आप फॉलो करिए, एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी। एग्रीगेशन इज अ वे ऑफ प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन बाय मीन ऑफ पासिंग देम थ्रू अ डिफरेंट स्टेजेस, दिस स्टेज मेकअप वाज नोन एज पाइपलाइन। तो हम एग्रीगेशन पाइपलाइन भी देखेंगे, द स्टेज इन अ पाइपलाइन कैन बी फिल्टर्ड, सॉर्ट, ग्रुप, रीशेप, मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट दैट पास थ्रू द पाइपलाइन। One of the most common use case of aggregation is to calculate aggregate values of the group of documents. This is similar to the basic aggregation available in SQL with group by clause, count, sum, AVG functions. So MongoDB aggregation goes further through, it can perform relations like joins, reshape documents, create new and update existing documents and so on. तो मोंगोडीबी एग्रीगेशन के थ्रू आप आगे चल के क्या कर सकते हो, जॉइंस भी कर सकते हो, दो डॉक्यूमेंट्स को जॉइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेशन पाइपलाइंस को भी हम आगे चल के देखेंगे। हाउ डज द मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन वर्क, सो मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइंस में आपको इनपुट देना पड़ता है, फिर डॉलर मैच ग्रुप सॉर्ट एंड देन आप आउटपुट कर सकते हो। सो इसके बारे में हम कल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो मोंगोडीबी कलेक्शन नेम डॉट एग्रीगेट पाइपलाइन कॉम और ऑप्शंस, सो ये पाइपलाइंस कौन कौन से पाइपलाइंस हम यूज कर सकते हैं, सो मैच ग्रुप एंड सॉर्ट, मैच ग्रुप एंड सॉर्ट, ये इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं पाइपलाइंस। सो एग्रीगेशन स्टेज लिमिट स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे, आवर डेटा इन द मोंगोडीबी एग्रीगेशन। सो
स्टूडेंट ऑफ द ईयर डॉट यूनिवर्सिटीज डॉट इंसर्ट, यही एग्जाम्पल हम करके देख लेंगे और उसको एग्रीगेट करवा के हम देखेंगे एजुकेशन पाइपलाइन और बेटर कैसे देखेंगे। Thank you.